महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष में भारत की ओर परंपरा महायोगी गुरु गोरखनाथ विषय पर समायोजित ऑनलाइन साप्ताहिक योग शिविर के उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्ता संकाय प्रमुख संस्कृत एवं प्राचार्य विद्या अध्ययन संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल ने कहा कि भारत में योग की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। पुराणों में सप्त दीप्ता वसुंधरा की चर्चा की गई, उसमें भी भारतवर्ष को योग भूमि कहा गया है, अन्य भूमियों को योग भूमि कहा गया है। उन्होंने कहा कि गुरु गोरखनाथ जी के अनुसार प्राणायाम को जीवन रूपी महासागर का महासेतु कहा गया है। इसके विधिवत अभ्यास में योगी लौकिक और परलौकिक दुखों से मुक्ति पा लेता है। महायोगी गोरखनाथ एक युग प्रवर्तक संत हुए जिन्होंने नाथ पंथ का प्रवर्तन किया। नाथ पंथ की साधना मुख्य रूप से योग पर आधारित है। योग के विभिन्न अंगों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यह नियम आदि 8 अंगों के प्राणायाम सर्व प्रमुख अंग है, जिसमें प्राण तथा आपान वायु का निर्गय ईडा या वा पिंगला नाड़ियों के माध्यम से करते हैं। ईडा सूर्य नाड़ी होती है जिसमें है, तथा पिंगला चंद्र नाड़ी होती है जिसे ठा के नाम से संबंधित कर इन दोनों के संयोग को हट योग नाम देकर गोरखनाथ जी ने योग परंपरा में पांत जल योग से अपना वैष्टिक प्रदर्शित किया है। उन्होंने कहा है कि ये परंपरा सदियों पुरानी महाभारत रामायण आदि काल में विस्तार से प्राप्त होती है। साथ ही महायोगी गुरु गोरखनाथ की रचना में प्रमुख रूप से योग बीज व सिद्ध सिद्धांत पद्धति जैसे ग्रंथों में संपूर्ण योग साधना का निचोड़ प्राप्त होता है। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के माननीय अध्यक्ष व पूर्व कुलपति प्रोफेसर UP सिंह ने कहा कि भगवान गोरखनाथ जी के आमजन के लिए योग का आविष्कार किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन NPPG कॉलेज के फेसबुक पेज पर लिया गया। ऑनलाइन फेसबुक कार्यक्रम को संचालित करने के प्रमुख रूप से डॉक्टर प्रदीप राव, डॉक्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी, डॉक्टर अभिषेक पांडे, अभय श्रीवास्तव, विनय गौतम आदि का सहयोग रहा।